कैसे हो लोग? आज हम करने वाले हैं नेस के और एक बॉस को उड़ाने वाले, मतलब मारने वाले। तो आज हम नाइट ईस्ट से खेलेंगे। और अभी ये बंदा आ गया टील डंडा लेके फिर से एक बार। इसको बोला था वैसे ही किया इसने, देखो तो सब कितना ये है डरपोक। अभी इसको मारेंगे हम, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल देखते हैं। तो रखने वाला आधा ही अच्छी बचा है। मैंने भाई इंचन में लगा दिया अपने वेपन में, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंचन में वेपन चेंजर के वेपन में थे ना वो, ऐसा वाला इंचन में लगा दिया। नाम पता नहीं पर काम अच्छा कर देता है दोस्तों। हम भाई तू इसके सामने तू नहीं बचेगा भाई, मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ। यू कैनॉट विन मी बिकॉज़ हम भाई तू इसके सामने तेरी औकात क्या है। ये उसका भी खत्म होने वाला है, बस आ गया ये किया बच गया, खत्म हो भी गया। चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कोई भी नया गया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है। तो अभी सीवर आ गया, बहुत ही अच्छी बात है सीवर भी आ गया। अभी तो सीवर क्या कमाल दिखाएगा पता नहीं, जो भी कमाल दिखाएगा अच्छा ही होगा या बुरा देखते हैं भाई। खत्म भाई, सीवर भी खत्म होने वाला है, बस एरो फेंक रहा है, कुछ काम का ही नहीं है एरो फेंकने से। तो तुम्हारे एरो छील भी लेंगे और तुम्हें मार भी देंगे, खत्म। तो सीवर भी खत्म हो गया है, सेकेंड ऑर्डर देखते क्या होता है। खत्म, ये भी खत्म, इतने जल्दी भी खत्म भाई, जल्दी से खत्म हो गया, थोड़ा टाइम है बस खत्म होने वाला है ये। खत्म यार, पैर का हिस्सा लग गया इसका, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी, कभी खत्म नहीं हुआ भाई, अब हुआ खत्म। चलो बहुत अच्छी बात है, नाइटिस में ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ही होता है, मतलब की फाइट बड़ी खतरनाक होती है। ओके अब ये वाला ये देखते हैं। चलो गुरुजी में सिखाए ये वाला ही है। अभी ये कौन आ गया भाई, पागल इंसान फिर से आ गया, मैड मैन आ गया भाई। फिर से एक बार स्वागत है आपका मार खाने के लिए। चलो वो मैड वन को बहुत ही राउंड में आपको हिलाते हैं, वो मेरे वेपन से नहीं है, कोई बात नहीं, वेपन्स के बिना मैं आ गया हूँ इसको, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लाल मुझे से तो मर ही जाएगा। ओ भाई चॉकलेट निकल रहा है, खत्म भाई तू आराम से खत्म हो गया दोस्तों। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। वो चल रहा जा रहा है बट ये ज़्यादा उछलता है दोस्तों, इसलिए हार जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ चलने का नहीं मेरे सामने। खत्म भी हो जाए यार, डॉज कर रहा है साले, डॉज क्यों कर रहा है, मार गया। तो भाई बहुत ही हेल्थ चलेगी इसकी, और अभी थोड़ा ही दिन का बाकी है, मतलब थोड़ा ही टाइम का बाकी है, मर भी गया यार।
थोड़े ही देर तक बुरा था पर यूं ही मर गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारा आर्मर ही इतना ताकतवर है। इंसेन में एक बार करके देख लेते हैं अभी कौन आता है। अबे यार ये आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम हरा देंगे आराम से, क्योंकि इसके पास तो भाई खतरनाक वेपन तो नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ न्यू वेपन है, लगता भी नहीं यूज़ करने में, इसे माल लगता भी नहीं, अभी ये करता ही देखते तो वो इसका भी डैमेज नहीं लगा मुझे, कोई टेंशन नहीं है, ये वेपन से मैं जीत लेंगे, आराम से जीत लेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्सपी लेके चला गया, काम भी थी कम भी, इसको तो हम ख़त्म करके रखें। ओह यार हमको ही ख़त्म कर दिया, फर्स्ट राउंड इसमें जीत लिया, अभी सेकंड राउंड में देखते क्या होता है। इस सेकंड राउंड में तो भाई हम जीतेंगे, ये लो उसका वेपन भी उड़ा दिया, अभी ये जीत गए हम, बहुत ही इजीली जीत लिए भाई, बहुत इजीली, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं भाई, 4 सेकंड के अंदर मार दिए उसको। इस बार मैं कितना सेकंड के अंदर मारता हूँ देखो, भाई बहुत ही खतरनाक इंसेंट मैन है दोस्तों, ये इतना खतरनाक इंसेंट में मैंने आज तक नहीं देखा। अभी ख़त्म हो गया, यस दोस्तों ये ख़त्म भी हो गया और हमने इसको भी हरा दिया दोस्तों, वो भी इंसेंट में हरा दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखते हैं तो है नाइटमेयर में हार है क्या, हाँ भाई है हार मिल गया दोस्तों, यूथ का मैदान में हार तो मिल गया हमको, कौन आ गया भाई, ओ भाई लकड़ी लेके आ गया भाई हमको मारने के लिए, क्या मजाक समझ आएगा भाई। इसकी आर्मरी भी वेपन भी बहुत अच्छी कूल है, अब ये भी मारा भाई मेरे सामने नहीं टिका, पर मेरे को ये मार रही है, भाई मारने का मौका ही नहीं दे रहा है, बहुत चालाक बंदा है। अबे खत्म में यार, शिट यार मुझे पहले ही पता चल गया था ये मेरे को खत्म कर देगा, कोई बात नहीं सेकंड राउंड में देखते हैं। इस बार मैं ही जीतूंगा यार, कोई भी हो जाए मैं ही जीतूंगा, कुछ भी हो जाए। खत्म हो गया यार, ओ भाई यार कितना एचपी लेके गया मैं भाई, कितना भाई, आई लाइक अ हैकर मैन। राउंड 3 में देखते क्या होता है, मैंने भाई बहुत ही खतरनाक खेला दोस्तों, तो अभी देखते हैं राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है देखते तो है। इस बार भी हम जीतेंगे या नहीं देखते हैं, तेज की ज्यादा दिखा रहा है, और ये है शॉट बहुत ही अच्छी वाली, और ये खत्म खत्म दोस्तों खत्म, अब आधा ही एचपी का बचा है, खत्म परफेक्ट में खत्म हो गया दोस्तों भाई, परफेक्ट में खत्म हो गया, क्या मजाक है दोस्तों भाई, ये सच में कूल वेपन है, मतलब खतरनाक वेपन, इससे अच्छा वेपन आज तक नहीं दिखा मैं दोस्तों। हमारे पास एनर्जी नहीं बची है, तो एनर्जी के लिए मुझे थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, तो उसके पहले मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं खाली पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया, चलो ये लेते हैं सारे, इसको अपडेट कर लेते हैं, ये वाला वेपन मिल जाएगा, कब मिलेगा पता नहीं, दूसरे इसमें देखते हैं कब मिलेगा तो। और हमने सारे इसको ये कर दिया है अपडेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरे को देखना है इंचेंटमेंट कौन सा मिलेगा, इंचेंटमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों, हमारे पास इंचेंटमेंट नहीं है दोस्तों इतना, तो कोई बात नहीं हो जाएगा, हेलमेट का लगाएंगे बाद में, क्योंकि हेलमेट का इतना ज़रूरी तो नहीं है,
तो और भाई एनर्जी मिल गई हमको, एक एनर्जी मिल गई है। चलो एक एनर्जी से हम क्या कर लेते हैं, देखते तो है कौन सा है भाई इंसेन पे है दोस्तों। कोई बात नहीं, आपके लिए कर ही लेते हैं। ओके इंसेन पे हमारा लकी है भाई, लकी भाई कितने बार आ रहा था, मैं दो बार आ रहा था आड़ में ही। अभी इंसेन में देखते क्या होता है, इंसेन में क्या होगा यार, डर लग रहा है इससे। ऐसे इस वेपन से मैं हरा सकता हूँ आराम से इसे, तो दोस्तों पता है मैं इस वेपन में प्रोफेशनल हूँ, इसे मैं प्रोफेशनल किलर मैन इस वेपन। खत्म, ये लो खत्म भी हो गए आराम से। ये वाला वेपन ना सच में कूल है, कूल एंड कूल वेपन है भाई। इस राउंड में देखते हैं क्या होता है, पता नहीं मैं जीतूंगे या नहीं, पता नहीं। मैं चाल चलने में मास्टर है, चालाक बंदा है बहुत, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, पर देख लेते हैं हम जीतते कि नहीं। यार इसने पीट फेंक दिया मेरे पे, और ये भाई मेरा आधा इसकी खत्म भी हो गया। मैं राउंड टू जीत लिया इसने, राउंड थ्री में देखते क्या होता है। राउंड थ्री में देखते तो है ओपी हेड लग गया इसको, चलो कोई पानी और एक हेड लग गया। ओ भाई इसने भी हेड दे दिया बहुत ही गंदा वाला, चलो कोई बात नहीं इसको चल चल के मारेंगे। बहुत डैमेज लेके गया मैं इसका, और अभी ये खत्म ही होने वाला है, जस बस खत्म होने वाला है। ये हो गया खत्म, और इस मैच को मैं जीत लिया, वो भी इंसेन में, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इम्पॉसिबल में करके देखेंगे दोस्तों, उसके बाद कभी भी हम इम्पॉसिबल में देखा नहीं ना, तो इस बार कभी भी इम्पॉसिबल में देखेंगे कि हम हरा पाएंगे कि नहीं। इंसेन में तो अभी पता चल गया कि हम हरा सकते हैं, अभी इम्पॉसिबल में देखेंगे कभी। चलो ये वाला वेपन ले लेते हैं, बहुत ही कूल वेपन तो दिख रहा है, पर वो वाला वेपन भी बहुत कूल था भाई। कितने बंदे हुए एक साथ हराए मैंने, आर्मरी बहुत ज़्यादा महंगी है, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एनर्जी भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी कर नहीं सकते हम। दोस्तों मैं थोड़ा टाइम के बाद मिलता हूँ, तो हमारा एनर्जी फुल हो गया है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अभी सीधा चलते हैं फाइट के ओर। तो अभी हम निक के सेकेंड बॉस को हराते हैं, सेकेंड बॉस को नहीं सॉरी भाई, अर्मिट के सेकेंड बॉडी गार्ड को हराते हैं। चलो ये भाई लुक वाइज बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं हम भी इससे ज़्यादा खतरनाक है। हमने बहुत कुछ काम किया है इसमें, तो थोड़ा ही काम किया होगा, हमने बहुत कुछ काम किया है। चलो इसको भी ख़त्म कर देंगे, टेंशन नहीं है दोस्तों हमारे पास, अभी हमारा न्यू वेपन है, देखते तो इससे ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। डीजल डंडा बहुत ही अच्छा है, पुराने लोग ऐसे ही मारते रहते थे। बस इस वेपन से हम मार सकते थे इसको, पता नहीं इसको इस वेपन से मुझे चलाने से नहीं आता, पर भी ट्राई करेंगे इसको मारने के लिए। और ये लगा परफेक्ट चेयर्स ले लो फिर गेम होने के लिए, वो जीतना पता नहीं शायद, मैं जीत गया इसकी बहुत कम एच पी। अरे ख़त्म भी हो गया, बातों में ही ख़त्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड राउंड में देखते क्या होता है, सेकेंड राउंड में ओ भाई
भाई तीर फेंक रहा है पागल, सामने रेंज में इसमें ना तीर फेंक रहा है, बड़ा चालाक बंदा है तो। ये खत्म भाई हमारे यार, हम तो जीतेंगे उसको, इसको हरा के जाएंगे। बहुत ही कम एच पी गई थी हमारी और हम हार नहीं मानने वाले, ये पक्का है हम इसको आधे एच पी में हरा देंगे, ये मेरा चैलेंज है। और ये चैलेंज में कंप्लीट भी कर दिया, बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, तो ये आ गया तो दोस्तों, इसमें अभी दूसरा कौन आ गया भाई, स्काइबर आ गया। चलो भाई ये हमारा नया, ये आ गया मतलब अनटाइमनेस कुछ भी हो, चलो हमारा नया सोवेन आ गया, मतलब ये हमारा नौकर आ गया दूसरा। कोई बात नहीं, हम सीधा चलते हैं, अब जाते हैं हम अपने ट्रेनिंग में। और अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई भी नहीं आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।